मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में निकाली जा रही कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा सोमवार के दिन खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। यहां कांग्रेस के पूर्व विधायक चंदा सुरेंद्र सिंह गौर के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं का स्वागत किया। खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के खरीला में जन आक्रोश यात्रा खरगापुर होते हुए बलदेवगढ़ नगर पहुंची। यहां मिलन वाटिका में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब में पूर्व मंत्री अरुण यादव ने कहा कि भाजपा 18 साल से जनता के शोषण के बाद जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, लेकिन इस बार जनता का आक्रोश है, इसलिए हम जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि MP में महिलाएं असुरक्षित हैं, चौतरफा भ्रष्टाचार है, राज्य सरकार का खजाना खाली है, शिवराज घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं, वर्तमान में इतना कर्ज लाद दिया है कि उतारना मुश्किल हो जाएगा। पूर्व मंत्री अरुण यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रदेश की जनता का भाजपा को भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, यदि इतना ही आशीर्वाद मिलने का भरोसा है तो फिर मध्य प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह सात सात बार क्यों आ रहे हैं, क्यों पूरे देश भर से मंत्रियों को इस जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि भाजपा को प्रदेश की जनता अब नकार चुकी है। सुनिए खरगापुर विधानसभा पहुंची जन आक्रोश यात्रा में कांग्रेस नेता अरुण यादव ने क्या कुछ कहा।